बैक टू माई चैनल RMS ब्लॉग। सो अभी इवनिंग के 5 बज चुके हैं, हम आए हैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने के लिए। जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम अपनी बाइक में कुछ अलग यूनिक करने वाले हैं और फाइनली हमने वो कर लिया है। लास्ट वाले ब्लॉग में दिखाया था कि हमारी बाइक में कुछ काम चल रहा है, जैसे रैपिंग वगैरह का काम तो हमारा कम्प्लीट हो गया था। एंड एक और सिस्टम था जो कि आज तक मैंने किसी भी ब्लॉगर की बाइक में नहीं देखा है, ना ही मैंने KTM RC में किसी के देखा है। सो हमने फाइनली वो चीज़ इंस्टॉल करा ली है। एंड कितने रुपए की इंस्टॉल हुई है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस ब्लॉग के अंदर। चलो तो पहले दिखाते हैं हमने क्या इंस्टॉल कराया है। हमने इंस्टॉल किया है यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम, जो कि यहाँ पे ये लगा है। एंड इसका यहाँ पे लगा है ये ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह, जहाँ पे हम मोबाइल वगैरह भी होल्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दिया है मेमोरी कार्ड का सिस्टम, यहाँ पे आप डेटा केबल लगा के अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्शन है, यहाँ पे फ़ोन रिसीव भी कर सकते हैं, यानी कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह एवरीथिंग यहाँ पे दे रखा है। और ये कितने रुपये का लगा है हमारे बाइक के अंदर वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। हम अकेले राइडिंग कर रहे हैं, सोचा थोड़ा देर के लिए हम यहाँ पे रेस्ट करें, आराम करें, देन उस टाइम पे हम म्यूजिक स्टार्ट कर सकते हैं एंड आप एंजॉय कर सकते हैं। आपको हम पहले इसका म्यूजिक सुनवाते हैं, म्यूजिक है तो ये इसकी साउंड है। तो अभी क्या है ना, मैंने यहाँ पे वीडियो चालू कर दी है यूट्यूब के अंदर और यहाँ पे ये साउंड एंड गाइस, तो ये हमारा म्यूजिक सिस्टम पड़ा था हमें 1200 यानी कि 1200 रुपए का। एंड हमने जो इसका इंस्टॉलेशन चार्ज दिया था वो दिया था 200 रुपए, जिसमें यहाँ पे उन्होंने एक एक्सटेंशन लगाया था एंगल, सो उसकी वजह से हमसे 200 रुपए चार्ज किए गए थे। सॉरी 200 रुपए 150 रुपए चार्ज किए थे, 50 रुपए उन्होंने एंगल के लिए थे जो एक्सटेंशन लगाया था, एंड 100 रुपए लिए थे इसके कनेक्शन वगैरह किए हैं उसके 100 रुपए लिए थे। तो टोटल मिला के हमें पड़ गया ये 1350 रुपए में। बट इसकी जो साउंड है ना वो बहुत लाजवाब है। एंड जैसे ही मैं सिग्नल पे निकलता हूँ या रुकता हूँ कहीं पे, देन मेरे जैसे मैं निकलता हूँ एंड मैं जो इस पे गाड़ी पे रहता हूँ, एंड मेरे जो है ना टांग के ये यहाँ पे इस साइड में हाइड हो जाता है, एंड साउंड बहुत ही प्यारी सी आती है। लोग देखते हैं कि यार आखिरकार साउंड आ कहाँ से रही है। एंड बहुत ही मस्त तरीके से इंजॉय करते हुए मैं निकलता हूँ, एंड लोगों के रिएक्शन भाई साहब कुछ कह नहीं सकते। तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में जो है ना लोगों के रिएक्शन देखेंगे, एंड उसको वो रिएक्शन हम आपको पूरे कलेक्ट करके एंड आपको दिखाएंगे क्या लोग किस तरह के रिएक्शन देते हैं बाइक पे। बाइक का भी हमारी एकदम लुक चेंज हो चुका है, क्योंकि ये कलर मैंने किसी का नहीं देखा, सो दैट मैंने एकदम यूनिक कलर कराया। पहले मेरी बाइक का कलर ऑरेंज था, एंड बाद में जो हमने किया है पूरा ब्लैक करने के बाद में ऑरेंज कलर से KTM RC लिखवाया है, जो कि एकदम यूनिक है और मैंने किसी ब्लॉगर का अभी तक नहीं देखा है। गाइस, तो फाइनली आपको कैसा लगा मेरा म्यूजिक सिस्टम कमेंट करके जरूर बताना, और जिन लोगों को म्यूजिक सिस्टम बाइक में पसंद है तो कमेंट जरूर करके बताएंगे। एंड मेरी टांग के इस साइड में म्यूजिक सिस्टम कुछ इस तरह से मेरे टांग के नीचे हाइड हो जाता है, एंड पता नहीं चलता कि म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है। बकाया मेरा मोबाइल वगैरह मैं फोन अपना जो है अपना पॉकेट में भी रख लेता हूँ एंड यहाँ पे भी रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी रखो, बट म्यूजिक की आवाज आनी चाहिए। तो बहुत ही प्यारी आवाज आती है, अभी भी जो आप साउंड सुन रहे हैं वो म्यूजिक की सुन रहे हैं, क्योंकि हमने नॉन कॉपीराइट सॉन्ग लगा रखे हैं जिसकी साउंड आप सुन रहे हैं। बहुत ही प्यारी आवाज है और मजा आता है राइड करने में। तो ये ब्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक बाय बाय।